नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की चटपटी सब्जी नए स्वाद में। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताऊंगी। मैंने हरी प्याज दो लिया है काट के, लंबे में दो डंडे वाले जो मिलते हैं बारीकी से काट लिया है। चार टमाटर मैंने पीस लिया है बारीकी से मिक्सर में। 250 ग्राम मटर के दाने हैं। दो बड़ी आलू मैंने उबाल के इसे छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने ग्रीन मसाला पीसा है। इसमें एक पुती लहसुन पूरी कली मैंने छील लिया है, चार हरी मिर्ची, एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के कड़ी पत्ता एक पत्ती, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, चम्मच हल्दी, चटनी के लिए एक चम्मच जीरा, वही एक चम्मच राई और बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए हरी धनिया। जितना मैंने धनिया ये काटा है, इतना ही धनिया मैंने हरे मसाले में मैंने पीसा है। स्वाद अनुसार नमक, बनाने के लिए तेल। चलिए बनाते हैं। मैंने गैस चालू करके, फास्ट है गैस, और उस पे पैन चढ़ा दिया है। पहले मैं दो चम्मच तेल डालूंगी। तेल हमारा हो जाएगा, हो गया है। उसमें जीरा और राई डाल दूंगी फोड़नी में। नहीं, हमारा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना आलू। और वही डालूंगी मटर। ऐसे मैं मुझे 5 मिनट तक इसे मुझे अच्छे से गैस फास्ट करके मुझे भूनना है। हमेशा चलाते ही रहना है इसे। बहुत ही चटपटी आलू मटर की सब्जी होती है और इस समय नया आलू और नया मटर मार्केट में बहुत आया है। इसे हमें गैस फास्ट करके ही मुझे भूनना है। भून लिया है मैंने आलू टमाटर अच्छे से। अब मैं इसे एक दूसरे प्लेट में मैं निकाल लूंगी और फिर मैं सब्जी अपना बनाना तैयार करूंगी। आलू मटर मैंने निकाल लिया है। अब फिर से मैं 2 से 3 चम्मच में तेल डालूंगी। अब इसमें मैं कड़ी पत्ते का तड़का दूंगी और हरी प्याज। अब इसे भूनूंगी। अभी थोड़ा ब्राउन होने लगेगा तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। गैस हमारा मीडियम है। प्याज हमारा हो गया है। अब मैं डालूंगी इसी में हरा मसाला अपना जो मैंने पीसा था। अभी मुझे गैस को फास्ट ही रखना है। इसी के साथ मैं अपना सारा मसाला डालूंगी। मैंने अंदाज से ही लिया था। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी। मसाले को पक जाए पहले, फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर पीसा। मसाला भी हमारा भून गया है। अब मैं डालूंगी टमाटर। 4 टमाटर का मैंने ग्रेवी बनाया है। ये और इसे मुझे गैस फास्ट करके अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे। टमाटर
टमाटर भी हमारा भून गया है, देखिए साइड साइड में तेल हमारे छोड़ने लगे हैं। अब मैं जो आलू भूनी थी, जो मैं आलू और मटर भून के रखी थी, उसे भी मैं इसमें मिक्स करूंगी। बहुत ही चटपटी सब्जी होती है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिलाइए। वैसे ये लथपथ सब्जी ही अच्छी लगती है, तो मैं एक कटोरी पानी डालूंगी। इसमें डालूंगी नमक 2 चम्मच, मीडियम चम्मच है हमारा। ऐसे ढक के मुझे 5 मिनट तक धीमी आंच पे मुझे इसे पकाना है। गैस हमारा उबलने लगे तो गैस हमें कम कर देना है। उबल सब्जी हमारी पक गई है, चलिए देखते हैं। वाह, सब्जी बहुत अच्छी पक गई है हमारी। अब मैं इसमें डालूंगी धनिए की पत्ती ऊपर से, और अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसे परोसूंगी। बन गए हमारे आलू टमाटर की चटपटी सब्जी। इसे मैंने परोस लिया है, इसे चावल रोटी पराठा पूड़ी के साथ परोसे बहुत ही अच्छी लगती है, और ठंडियों में आलू टमाटर की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। आप भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।